हल्का भुआ में पूर्व विधायक सीमा कुमारी के नेतृत्व में भाजपा वर्करों की ओर से अवैध माइनिंग और गुंडा पर्ची के अलावा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ धरना दिया गया। धरने पर बैठी पूर्व विधायिका सीमा कुमारी ने कहा कि आज का धरना प्रशासन और सरकार को जगाने मात्र के लिए है। उन्होंने कहा कि बरसाती सीजन के बावजूद पठानकोट में धड़ल्ले से माइनिंग की जा रही है, जबकि सरकारी निर्देशों के अनुसार बरसाती सीजन में वैध माइनिंग भी बंद होनी चाहिए, लेकिन आदेशों के उल्ट पठानकोट में अभी भी माइनिंग जारी है। धरना दे रहे भाजपा वर्करों ने बताया कि आज के धरने के बाद पंजाब सरकार के पास 31 जुलाई तक का समय है। अगर सरकार पठानकोट में माइनिंग को नहीं रोक पाती तो उनकी ओर से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीमा कुमारी ने बताया कि पंजाब में 2012 से लेकर 2017 तक रही अकाली दल भाजपा गठबंधन सरकार में इलाके में हर अवैध कारोबार के खिलाफ एक्शन लिया गया था। इस दौरान गांवों को फंड दिए गए थे और विकास करवाए गए थे। उस समय सभी माइनिंग खड्डों की बकायदा बोली करवाई जा रही थी, लेकिन पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री बने लालचंद कटारूचक की ओर से उक्त माइनिंग को लेकर कोई भी सख्ती नहीं दिखाई जा रही, जबकि वो खुद हल्का भुआ से आते हैं और उन्हीं के इलाके में अवैध माइनिंग का धंधा फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि आज के धरने के माध्यम से केवल सरकार और प्रशासन को एक संकेत दिया गया है कि आने वाले समय में अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पंजाब सरकार और प्रशासन बरसाती सीजन में माइनिंग बिल्कुल बंद करवाए। माइनिंग के कारण भारी वाहनों के गुजरने से सड़कें खस्ता हो चुकी हैं, रोजाना हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। चैनल वाला इन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अज का जो धरना है जो नजायज माइनिंग जी हो रही है और रेनिंग सीजन जी है टोटल माइनिंग लीगल ज अनलीगल सारी जी बंद होंगी है। सो जी गुंडा परची जी गुंडा टैक्स जिसे लगाया वो खिलाफ जोड़ा है छोटा जहा जो रोस प्रदर्शन रखा गया है। सिर्फ सरकार और प्रशासन को जगाने का एक जो छोटा जहा सा प्रयास है साढ़े द्वारा साढ़े सारे कार्यकर्ता है। और अगर ये इस तरह ही काम चलता रहेगा तो फिर असी जोड़ा है 31 जुलाई तक जोड़ा है ये उन्होंने देंगे दसागे भी प्रशासन जाग जाए सरकार जाग जाए उस तो बाद असी कोई वड्डी योजना बनावे फिर होर भी उच्चे पद्धर से आप जो धरना है रोस प्रदर्शन जो आप करा। और मैं ये कहना चाहनी है कि मंत्री साहब जोड़े है वो अपने इलाके वास्ते सब कुछ कर सकते वधिया कर सकते हैं, लेकिन सियाने कहते ना कि बड़बोले चलो बोल सुनते पर घेसले कौन जगाए। तो मैं ये लगता है कि जो पहले MLA से और टोटल माइनिंग सारे जानते हो जोड़े होने वाले है उन्होंने कोई सुध बुध अपने हल्के की नहीं है। मंत्री बन गए है ठीक है भाई तुम बन गए हो तो अपना हल्का तो देखो इलाका तो देखो सिर्फ ये प्रशासन और सरकार को जगाने का जोड़ा है ये असं एक छोटा जहा संकेतिक धरना जोड़ा रखे है और आने वाले टाइम से मेरे पद्धर से धरना। पिछला रिकॉर्ड तुम कढ़वा सकते हो 12 से 17 तक रिकॉर्ड कढ़ा लो जो सीमा कुमारी इस हल्के MLA सी डिवेलपमेंट भी हुई है सड़क बनिया पिंडा पंचायतों डिवेलपमेंट वास्ते पैसे दिते गए सी साड़ी सरकार ने सुविधा केंद्र बनाए सी साड़ी सरकार ने बहुत वधिया काम किए सी असी पुल भी बनाए सी बहुत अच्छे अच्छे काम होए सी और खड्डा की बकायदा ऑक्शन होंदी सी उस टाइम तो उस हिसाब नाल जिहड़ी है जिन्नी की माइनिंग चाहिए होंदी सी उस हिसाब नाल सही ढंग नाल जिहड़ी उह कीती जांदी सी। मैं अपनी सरकार विच मेरा रिकॉर्ड तुसीं पहला कढ़ा सकते हो कि अपनी सरकार विच असी 7-8 दिन जिहड़ा धरना लगाया सी कि साडियां सड़कां जिहड़ियां नाश हो रहियां ने टुट रहियां ने बहुत वड्डे वड्डे ट्रक जिहड़े जांदे सी तो साडी सरकार ने मेरी 7-8 दिन के बाद मेरी मंग नूं स्वीकार किया सी और टाइम किया सी ट्रकां दा तारागढ़ी सड़क का भी टाइम होया सी कोटली वाली जिहड़ी इह सड़क जा रही असीं अज इत्थे बैठे हाँ इस सड़क का भी जिहड़ा ट्रकां दा टाइम होया सी सो कोटली वाली सड़क का भी टाइम होया सी आपां टाइमिंग जिहड़ी उस टाइम की करवाई दी है। हुण इहो गल जिहड़ी है उह मंत्री साहब सैशन से बोल रहे हैं कि मैं भाई टाइम करवा दिता जबकि ऐसा कुछ नहीं है और पिछला टाइम जो साढ़े टाइम का उन्होंने लैटर के उत्ते जो टाइम जो बाउंड हो उस हिसाब से जो ट्रक चल रहे हैं, लेकिन अज का सारा मुद्दा है कि रेनिंग सीजन में जी है टोटल माइनिंग जी बंद हो। देखो असी ट्रकों की टाइमिंग की मांग की सी ओवरलोडिंग की मांग की सी पर जो जो समा बीतता जाता है वो हिसाब न जो सूँ जानकारी मिली है कि जो माइनिंग इत्थे चल रही है यह बिल्कुल इलीगल है क्योंकि जिनी माइनिंग इत्थे होनी सी ऑलरेडी हो चुकी है हूँ यह सिर्फ जमीना पुटते पे ने जिहड़े हिसाब नाल जमीना पुटते ने आने वाले
ਦੋਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਰਿਆ ਪੂਰਾ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਭਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਰਸਾਤ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਟ ਪੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਆਪਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨ, ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੇ ਜੁੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਦ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ, PCSTI, Institute of Hotel and Cruise Management, Pathankot. Now get 20% discount on courses with limited seats. बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113।